आज तारीख हो चुकी है 21 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई ने अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका में होने वाली T20 लीग यानी मिनी आईपीएल में अब अपनी टीम परचेस करने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, जहाँ पर चेन्नई ने यहाँ पर जोनबर्ग सुपर किंग्स नाम की टीम को परचेस किया और यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फैफ डुप्लेसिस शायद इस टीम की यहाँ पर कप्तानी करें। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर ड्राफ्ट में ये टीम फैफ डुप्लेसिस को परचेस करेगी, तो यहाँ पर फैफ डुप्लेसिस अब चेन्नई की इस टीम की यहाँ पर अब मिनी आईपीएल में या फिर साउथ अफ्रीका T20 लीग में कप्तानी करते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 5 और टीमों ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका T20 लीग में यहाँ पर टीमों को परचेस किया। हमने टेलीग्राम चैनल पर वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आप वहाँ पर जाकर वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। आप कमेंट करके बताइए आप इस मिनी आईपीएल को लेकर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल कल मुंबई और इंग्लैंड की यहाँ पर टीम के बीच यहाँ पर 5वां प्रैक्टिस मुकाबला होता और मुंबई ने 5वीं बार लगातार यहाँ पर इंग्लैंड की यहाँ पर काउंटी 11 को यहाँ पर प्रैक्टिस मुकाबले में हरा दिया। करंटली मुंबई की टीम यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम यहाँ पर करंटली युवा प्लेयर्स के साथ और यहाँ पर अनकैप्ड प्लेयर के साथ ये टीम यहाँ पर इंग्लैंड में काउंटी की टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही है, प्रैक्टिस मुकाबले खेल रही है। और इन प्रैक्टिस मुकाबलों में यहाँ पर कुल मिलाकर 8 मुकाबले होने थे, इनमें से 5 मुकाबलों में लगातार मुंबई 11 यहाँ पर काउंटी 11 को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर मुंबई के यहाँ पर युवा प्लेयर्स का काफी अच्छा प्रॉमिसिंग यहाँ पर करेंटली परफॉर्मेंस रहा है। तो मुंबई की टीम आईपीएल में इस साल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी, लेकिन अब मुंबई की टीम इन परफॉर्मेंस के चलते हुए करेंटली मुंबई की टीम खुश होगी, करेंटली मुंबई की टीम यहाँ पर सेटिस्फाइड होगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2023 के एडिशन में आखिर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर आईपीएल विनर बन पाएगी या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है मिनी आईपीएल में इंडियन प्लेयर्स को लेकर। दरअसल यहाँ पर इस साल साउथ अफ्रीका में होने वाले यहाँ पर मिनी आईपीएल में इंडियन प्लेयर्स को लेकर फाइनली बीसीसीआई की तरफ से जवाब आ चुका है, जहाँ पर बीसीसीआई ने ये बताया कि यहाँ पर इस सीजन में तो इंडियन प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगले सीजन से यानी अगली बार जो 2024 में यहाँ पर अब मिनी आईपीएल का या फिर साउथ अफ्रीका T20 लीग का जो सीजन होगा उस सीजन से यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन इस सीजन यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स लीग का भाग नहीं होंगे, हो सकता है कि रिटायर्ड प्लेयर्स शायद इस लीग का भाग बने, कुल मिलाकर मेन इंडियन प्लेयर तो इस लीग का भाग नहीं बनेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या बीसीसीआई को सभी इंडियन प्लेयर्स को इस लीग में खेलने की अनुमति देनी चाहिए थी या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है दीपक चहर की तरफ से। दरअसल दीपक चहर फाइनली अपनी लंबी इंजरी के बाद लगभग 6-7 महीने बाद अब इन्होंने कमबैक किया। कल यहां पर प्रैक्टिस मुकाबला खेलते हुए इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी, इनकी गेंदबाजी से करंटली चेन्नई के ओनर्स यहां पर काफी यहां पर इंप्रेस है। इसके साथ ही चेन्नई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इनकी गेंदबाजी की फोटो वीडियो यहां पर पोस्ट हुई है, तो कुल मिलाकर आप अपनी स्क्रीन पर इनकी फोटो वीडियो देख पा रहे होंगे। करंटली अब ये इंजरी से रिकवर हो चुके हैं, फिट हो चुके हैं, रिपोर्टेडली शायद एशिया कप ये खेल सकते हैं, एशिया कप के लिए टीम में कमबैक कर सकते हैं। तो दीपक चहर अब जल्दी कमबैक करेंगे, टीम इंडिया की यहां पर गेंदबाजी ऑलरेडी काफी स्ट्रांग दिख रही है, अब तो दीपक चहर का भी यहां पर कमबैक हो जाएगा, इस टीम में एंट्री हो जाएगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या दीपक चहर को अब यहां पर टीम इंडिया में आखिर एशिया कप के लिए यहां पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए या फिर नहीं। बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई ने विराट कोहली को अब यहां पर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप से पहले यहां पर जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली 3 ODI मुकाबलों की सीरीज में अब खेलने का आदेश दिया, जहां पर बीसीसीआई ने स्ट्रिक्टली विराट कोहली को यह बता दिया कि ये मुकाबले विराट कोहली को खेलने होंगे, अदरवाइज यहां पर एशिया कप इसके साथ ही वर्ल्ड कप में विराट कोहली का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर अब यहां पर विराट कोहली अब एक संकट में आ चुके हैं, विराट कोहली को ना चाहते हुए अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अब 3 ODI मुकाबलों की सीरीज खेलनी होगी, इवन इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और रिपोर्टेडली केएल राहुल इस सीरीज में यहां पर टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, तो यहां पर केएल राहुल की कप्तानी में अब विराट कोहली 3 ODI खेलते हुए दिखेंगे और विराट कोहली के लिए ये ODI एक तरीके से यहां पर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए यहां पर इंटरव्यू के रूप में रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरीके से विराट कोहली के लिए अब यहां पर अगस्त के महीने में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कैसा परफॉर्मेंस विराट कोहली का इस सीरीज में रहेगा,
अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है इंग्लैंड की यहाँ पर काउंटी टीम्स को लेकर। दरअसल इंग्लैंड की काउंटी टीम्स ने अब मुंबई के खिलाफ यहाँ पर प्रैक्टिस के बाद अब यहाँ पर चेन्नई आरसीबी को भी इन्होंने इन्वाइट किया। हालांकि मुंबई के खिलाफ अब भी 2-3 मुकाबले इनके बच्चे थे, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर चेन्नई और आरसीबी को इन्वाइट किया कि ये टीमें भी अपने युवा प्लेयर्स को यहाँ पर इंग्लैंड में भेजे और इंग्लैंड में यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर 2-3 हफ्ते का यहाँ पर कैंप लगवाए। कुल मिलाकर यहाँ पर इंग्लैंड की काउंटी टीम्स ने चेन्नई और आरसीबी को इन्वाइट किया। तो अब यहाँ पर मुंबई के प्रैक्टिस सेशन समाप्त हो जाने के बाद 60 प्रैक्टिस मुकाबले समाप्त हो जाने के बाद अब यहाँ पर शायद चेन्नई और यहाँ पर आरसीबी की टीम भी अब यहाँ पर इंग्लैंड ट्रेवल करेगी और इंग्लैंड की काउंटी टीम के खिलाफ ये भी हमें मुकाबले खेलती हुई दिखेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन टीमों को इंग्लैंड जाना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले ताकि वहां पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मुकाबलों को लेकर इनके स्कोर कार्ड सारी डिटेल्स आपको मिल जाए। बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो ये सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है मिनी आईपीएल को लेकर। दरअसल मिनी आईपीएल का अब पूरा कंसेप्ट हमारे सामने आ चुका है जहां पर मिनी आईपीएल में 6 टीमें रहेगी। 6 टीमों में से केवल 3 टीमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होगी और इन 6 टीमों के लिए यहां पर अगले महीने ड्राफ्ट का कंसेप्ट रहेगा। ड्राफ्ट यहां पर कंडक्ट कराया जाएगा। ड्राफ्ट में टीमें खिलाड़ियों को परचेस करेगी। इसके बाद जनवरी फरवरी के महीने में मिनी आईपीएल होगा। इस साल मिनी आईपीएल में इंडियन प्लेयर्स को बीसीसीआई ने अलाउ नहीं किया, लेकिन रिटायर्ड इंडियन प्लेयर्स को बीसीसीआई ने अलाउ किया। अगले साल से मिनी आईपीएल में हमें इंडियन प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे। तो मिनी आईपीएल को लेकर अब तक इतनी सारी खबरें हमारे सामने आ चुकी है और अब आज या फिर कल में मिनी आईपीएल को लेकर और भी काफी सारी खबरें आएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए इस साल यहाँ पर होने वाले या फिर अब जनवरी फरवरी में होने वाले मिनी आईपीएल के लिए आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है मिनी आईपीएल के रूल्स को लेकर। दरअसल मिनी आईपीएल में भी यहाँ पर अब मेन आईपीएल की तरह कुछ रूल्स यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिए, जहाँ पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने मिनी आईपीएल में यहाँ पर आईपीएल की तरह 4 ओवरसीज प्लेयर्स का अब यहाँ पर रूल अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर साउथ अफ्रीकन T20 लीग या फिर मिनी आईपीएल में एक टीम केवल 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को खिला पाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसके साथ ही भारत, इसके साथ ही पाकिस्तान, जिन भी कंट्रीज के यहाँ पर प्लेयर आएंगे उनमें एक टीम में केवल 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार के आईपीएल में नियम होते हैं उसी प्रकार के अब इस लीग में भी नियम होंगे। आईपीएल की तरह यहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा। तो एक तरीके से अब आईपीएल का छोटा ही यहाँ पर कॉम्पैक्ट रूप रहेगा। इसके साथ ही 6 आईपीएल टीमों ने यहाँ पर टीमों को परचेस किया। तो यहाँ पर 6 आईपीएल टीमें, 6 आईपीएल टीमों के ओनर्स अब यहाँ पर मुकाबले देखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से ये मिनी आईपीएल का सीजन रहेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग मिनी आईपीएल या फिर साउथ अफ्रीकन T20 लीग ये अब यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।